नमस्कार दोस्तों, बीबीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, वैसे ही क्या आज मैं रीजनिंग के एक क्लास लेकर आया हूं और जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा कथन एवं निष्कर्ष। अब भाई, कथन और निष्कर्ष यानी कि बहुत से लोगों को यानी इनमें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है कि सोचते हैं कि बोले हाँ, एक रीजनिंग में चैप्टर जो कठिन मांगते हैं कि एक तो वन आरेख और एक कौन सा कथन और निष्कर्ष, एक पूर्व अवधारणा वाला भी आता है। तो देखिए, पूर्व अवधारणा वाले में हमें अपने सेंस के अनुसार लगाना होता है, उसमें गलती के 2-4% चांस होते हैं, परंतु कथन और निष्कर्ष में गलती के चांस नहीं होते, ये 100% होता है, बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। देखिए, कथन और निष्कर्ष का मतलब होता है कि कथन का मतलब होता है जो चीज हमें किसी ने कोई चीज दी है, निष्कर्ष मतलब जिस वो जो चीज मिली है हमें उसका निष्कर्ष यानी कि उसका रिजल्ट देना है। अब वो रिजल्ट जो देते हैं, तो देखिए जो कथन होता है हमें अपने माइंड से कुछ नहीं सोचना होता कि बोले हाँ भाई, वास्तविक जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं होता। मेरे भाई, जो चीज उसने लिखकर दी है कथन में, वही हमें सत्य माननी है, चाहे वो बात गलत लिखी हो उसने या सही लिखी हो, चाहे वो लड़कों को घोड़ा बना दे या घोड़ों को लड़का बना दे, या क्या मकान को दरवाजा बना दे या दरवाजे को कार बना दे। भाई, जो चीज उसने दी है वही चीज क्या हमें सत्य माननी होती है, और उस चीज को सत्य मानते हुए जो निष्कर्ष दिए होते हैं उन निष्कर्षों का पालन करना होता है। जैसे पहले वो कह दे कि निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष ए बी सी डी से लिखा है मैंने ऑप्शन, कि पहला अनुसरण करता है या दूसरा अनुसरण करता है या तीसरा या चौथा अनुसरण करता है, इस प्रकार से देगा। तो मेरे भाई, अब इसमें क्या जो आपको कथन और निष्कर्ष में करना है कि जो कथन के हिसाब से जो चीज आपकी बिल्कुल 100% यानी कि क्या बिल्कुल 100% उसमें से 1% भी आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, जो चीज 100% है बिल्कुल सत्य है वही आपको निष्कर्ष में बताना है। अगर जो आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप उस कथन को क्या निष्कर्ष को क्या मानोगे, आप गलत मानोगे। तो देखिये, अब भाई पहला है, अब देखिए इसके कुछ डायग्राम होते हैं। अब डायग्राम में से क्या, डायग्राम बिल्कुल जैसा क्वेश्चन करते रहेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएंगे। उसने कहा पहला क्वेश्चन है कि सभी शिक्षक पिता हैं। अब भाई सभी शिक्षक क्या हैं, पिता। अब मैंने मान लिया, एक ये डायग्राम बना दिया, अब ये क्या है, पिता, ये क्या है, पिता है। अब उसने कहा कि सभी शिक्षक पिता है, तो भाई सभी शिक्षक देखें सभी शिक्षक कौन है, पिता, ये कौन हो गए शिक्षक और क्या है ये, पिता है। सभी शिक्षक क्या है, पिता। उसके बाद अगला दिया है कथन कि सभी लड़के शिक्षक हैं। तो भाई इसका मतलब ये होता है जो हमने डायग्राम बनाया, जो ये पिता वाला जो डायग्राम है, तो इसके अंदर यानी कि जो भी है कि शिक्षक क्या है, पूरे हैं, यानी कि एक भी व्यक्ति कोई बाहर नहीं रहा। अब इसके बाद उसने कहा कि सभी लड़के शिक्षक हैं, तो यानी कि लड़के जो आएंगे तो वो शिक्षक के अंदर ही आने चाहिए, क्योंकि भाई अब अंदर आएंगे तो भाई यहां क्या होंगे, ये होंगे हमें लड़के। अगर तो इसे मैं चित्र को द्वारा बनाना चाहूं तो देखिए, अगर जो मैं यहां बनाऊं, ये अंदर कौन आ गए, लड़के, और इसके बाहर कौन है भाई, शिक्षक, ये कौन है, यानी कि सभी शिक्षक। जो दूसरा आपका कथन है, दूसरा कथन है कि सभी लड़के शिक्षक है, तो सभी लड़के क्या है, शिक्षक, ये बात सही होगी। पहला वाला क्या है कि सभी शिक्षक पिता हैं, तो सभी शिक्षक क्या हैं, पिता हैं। तो भाई अब ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इसके अनुसार ही निष्कर्ष निकालने हैं, निष्कर्ष निकालने में कुछ नहीं है, बिल्कुल एक बार डायग्राम जिसका बन जाता है सही से, तो मेरे भाई इन क्वेश्चनों में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। जो कुछ वाली कंडीशन के भी क्वेश्चन आएंगे भाई, उन्हें भी कराऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले आप इसे समझे, आप इसे बिल्कुल बेसिक क्लास समझे, ठीक है। पहला है, जैसे क्या पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है कि कुछ लड़के पिता हैं, उसने पूछा है कि कुछ लड़के पिता हैं, तो भाई पिता है तो पिता में से क्या, कि अगर जो ये वाली कंडीशन ये इस तरीके से कहना चाह रहा है कि मान लीजिए ये कौन है, लड़के, और ये क्या, वो कह रहा है कि पिता, यानी कि कुछ लड़के क्या है, पिता, इस तरीके से देना चाह रहा, लेकिन कह क्या रहा है, लेकिन पिता है, और पिता के अंदर तो क्या आ रहे हैं भाई, सभी लड़के आ रहे हैं, और जो सभी लड़के आ रहे हैं, अगर यहाँ क्या निष्कर्ष की जगह वो देता कुछ लड़के ना देकर क्या देता कि सभी लड़के पिता हैं, तो भाई इसकी बात सही थी, लेकिन ये बात क्या हो गई हमारी, गलत। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए कि कुछ शिक्षक लड़के हैं, तो भाई कुछ शिक्षक लड़के हैं, तो भाई लड़के हैं, अब इसमें से जो शिक्षक हैं, तो शिक्षक में से जो शिक्षक का ये घेरा है,
इस घेरे में से क्या भाई कुछ लड़के हैं, बिल्कुल बात सही है, क्या है कुछ क्या है लड़के हैं, तो भाई इसमें से यानी कि दूसरा क्या है हमारा सही है, क्योंकि ये अनुसरण कर रहा है, क्योंकि भाई शिक्षक है और इतने सारे यानी कि ये घेरा किसका था, शिक्षक का, जो मैंने डॉट डॉट किया है, और उनमें से क्या है कुछ क्या है लड़के हैं, तो सभी शिक्षक क्या लड़के नहीं है, लेकिन क्या शिक्षकों में से क्या है यानी कि कुछ लड़के क्या है शिक्षक में से, सभी लड़के भी यानी कि सभी लड़के भी शिक्षक हैं, लेकिन वो कह रहा है दूसरा कि कुछ शिक्षक लड़के हैं, तो भाई शिक्षक का कुछ भाग क्या है लड़कों के पास भी है और बाकी और अन्य लड़कियां हो सकती हैं बहुत सारी, यानी कि हमें तो कुछ सोचना ही नहीं, हमें उसके अनुसार ही देखना है, तो भाई ये वाला क्या सही हुआ। तीसरा देखें कि कोई लड़का पिता नहीं है, तो भाई कोई भी लड़का पिता नहीं है, तो भाई जो पिता है और पिता में से क्या भाई ये जो घेरा है सारा टोटल हो जाएगा, तो इनमें से क्या है यानी कि उसने कहा कि कोई लड़का पिता नहीं है, तो भाई पिता तो लड़के हैं कुछ तो है, और जब पिता में लड़के हैं तो भाई ये तो कह रहा है कि कोई भी लड़का पिता नहीं है, तो भाई ये वाली बात भी क्या हो गई गलत हो गई, बिल्कुल निहायत ही गलत दी उसने। अगला देखें ऑप्शन नंबर डी है, कह रहा है कि सभी पिता लड़के हैं, तो उसने कहा कि सभी पिता क्या है लड़के, तो भाई लड़के जो है तो जो पिता का जो भाग है इस पिता के भाग में से भाई लड़कों का भाग कितना है, सिर्फ इतना ही भाग है बाकी अन्य है, तो भाई अन्य है तो इसका मतलब क्या क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो भाई इसमें से कौन सा होगा केवल कि निष्कर्ष पहला ही निष्कर्ष दूसरा ही इसका कथन का अनुसरण करता है, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। देखिए अगर मैं एक दोबारा रिपीट करूं, उसने कहा था कि सभी शिक्षक पिता हैं, तो भाई सभी शिक्षक क्या हैं, पहले मैंने यहां बनाया था कि सभी शिक्षक क्या हैं पिता हैं, उसके बाद दिया कि सभी लड़के शिक्षक हैं, तो शिक्षक के अंदर आना चाहिए था लड़के, तो भाई हमने इस डायग्राम को यहां बना दिया कि सभी लड़के क्या है शिक्षक है और सभी शिक्षक क्या है पिता है, तो भाई उसने पहला पूछा था कि कुछ लड़के पिता है, तो भाई कुछ लड़के पिता है, लेकिन इसमें क्या था भाई कि सभी लड़के क्या हैं पिता हैं, तो ये बात क्या हो गई गलत हो गई। उसके बाद पूछा कि कुछ शिक्षक लड़के हैं, तो भाई कुछ शिक्षक यानी कि कुछ शिक्षक भाई शिक्षकों का ये भाग था इनमें से क्या है लड़के हैं, तो भाई कुछ शिक्षक क्या है लड़के हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये बात समझ में ना आ रही हो तो देखिये अगर मैं इसे ऐसे बना दू, अब इसमें से क्या कहूं कि ये कौन है शिक्षक, अब शिक्षकों का भाग कितना है ये है, अब इसमें से इतने भाग में क्या है लड़के हैं, तो उसने यही तो कहा कि कुछ शिक्षक जो शिक्षक में से जो कुछ शिक्षक है वो लड़के हैं, बात सही है भाई। अगला कोई लड़का पिता नहीं है, तो भाई कोई लड़का पिता नहीं है, भाई जो पिता है उनमें से क्या है कुछ तो लड़के हैं। अगला कहा कि सभी पिता लड़के हैं, तो भाई सभी पिता लड़के तो नहीं है, लेकिन पिता लड़के क्या है कि यानी कि कुछ लड़के क्या है पिता है मेरे भाई, जो सभी लड़के क्या है पिता है, लेकिन उसने कहा है कि सभी पिता लड़के नहीं है, तो भाई सभी पिता लड़के नहीं है वो तब होता जब क्या ये इस तरीके से बनता और यहां क्या होता लड़के होता, कि क्या कि सभी पिता क्या हैं लड़के, लेकिन भाई लड़के कहाँ हैं पिता के अंदर हैं, तो भाई इसका मतलब क्या भाई चौथा ऑप्शन भी क्या है गलत है। उम्मीद करता हूं अब बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखे मैं पहला क्वेश्चन आप कर दूं, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, ऊपर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है देखिए कथन देखें आप, अब कथन देखने के बाद में स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी के हिसाब से बना लिया, उसने कहा कि सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, तो भाई सभी खिड़कियां तो सभी जोशा कहता है कि सभी तो भाई उसे पहले बनाते हैं, तो यानी क्या हो गया खिड़कियां सभी खिड़कियां क्या है, मान ले ये क्या है इतना भाग खिड़कियों का है ये खिड़कियां है, और उसने कहा कि सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, तो सभी खिड़कियां क्या है दरवाजे, तो भाई दरवाजे ये क्या हो गया दरवाजे जो सभी को कहता है, तो भाई उसे बंद करते हैं अंदर। उसने कहा कि कुछ दरवाजे चूहे हैं, तो भाई कुछ दरवाजे अब इनमें से जो कुछ दरवाजे हैं तो वो क्या है चूहे हैं, तो भाई इतना भाग क्या मान लिया कुछ चूहे क्या हैं यानी कि कुछ दरवाजे क्या हैं चूहे हैं, तो भाई कुछ दरवाजे क्या हो गए चूहे हो गए। अब उसने पहला ऑप्शन दिया कि सभी चूहे दरवाजे हैं, उसने निष्कर्ष क्या दिया कि सभी चूहे दरवाजे हैं, तो भाई सभी चूहे दरवाजे तब होते जब क्या दरवाजों के अंदर चूहे आते, यानी कि अगर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से मान ले दरवाजे की थी और इसके अंदर क्या थे चूहे होते तब तो ये बात सही थी, तो इसका मतलब ये गलत है। अब क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं,
उसने कहा कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, तो भाई सभी दरवाजे खिड़कियां हैं नहीं, क्योंकि सभी दरवाजे खिड़कियां तब होते जब क्या, यानी कि अब ये तो होता दरवाजे और ये क्या होता खिड़की, तब क्या यहां खिड़की होता और ये क्या होता दरवाजे, लेकिन इसका विपरीत है क्योंकि सभी खिड़कियां क्या है दरवाजे हैं, तो भाई इसका मतलब ऑप्शन ये भी गलत है। अगला देख ऑप्शन नंबर सी देखें, उन्होंने कहा कि सभी खिड़कियां चूहे हैं, तो भाई सभी खिड़कियां यानी कि चूहे हैं मेरे भाई ये तो इसके आसपास भी ना है कहीं, अच्छा आसपास नहीं है तो इसका मतलब ये भी क्या है गलत है, क्योंकि कुछ चूहे क्या है खिड़कियां हैं या कुछ खिड़कियां क्या है चूहे हैं। अब ऑप्शन नंबर डी देखें, सभी चूहे खिड़कियां हैं, तो भाई सभी चूहे खिड़कियां हैं, भाई ये तब होता अगर इसकी जगह खिड़की होता और ये इसके अंदर क्या होता चूहे, तब तो क्या हो सकता था कि सभी चूहे खिड़कियां हैं, लेकिन भाई यहां क्या है ये तो खिड़कियों के आसपास भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है गलत है। अब इसके बाद तो भाई इनमें से चारों में से नहीं निकला, तो बोलो क्या हुआ कि इनमें से कोई सा भी यानी कि क्या क्या नहीं करता, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज, निष्कर्ष कोई सा भी इसका पालन नहीं करता, तो भाई इसमें से कौन सा हो गया यानी कि नन ऑफ दी, ना तो ए ना बी और ना सी और ना डी, चारों में से कोई सा भी अनुसरण नहीं करता। तो भाई उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, अगर भाई वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि पहली वीडियो बना रहा हूं मैं रीजनिंग की, तो ठीक है आप लोगों का इतना काम है कि भाई जैसी भी वीडियो आपको लगे आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन, कह रहा है कि मनीष एक खिलाड़ी है, अब भाई कोई लड़का है मनीष, अब मनीष है मान लो लड़का है उसका नाम है मनीष, अब मनीष है अब वो क्या है एक खिलाड़ी है, मनीष क्या है खिलाड़ी है, ये बात सही होगी, क्या हो गया खिलाड़ी है, खिलाड़ी के अंदर कौन आया मनीष था एक लड़का और वो क्या है खिलाड़ी, उसने कहा कि सभी खिलाड़ी लंबे होते हैं, तो भाई ये जो खिलाड़ी है ये सभी खिलाड़ी क्या होंगे लंबे होंगे, ये लंबे वाले लोगों का भाग आ गया, यानी कि लंबे वाले लोगों के अंदर मनीष भी आ रहा है खिलाड़ी भी, खिलाड़ी के अंदर कौन आ रहा है केवल मनीष आ रहा है, तो उसने पहला ऑप्शन दिया कि सभी खिलाड़ी लंबे होते हैं, कि सभी खिलाड़ी लंबे होते हैं, तो भाई ये जो सभी खिलाड़ी हैं वो क्या है लंबे हैं, जो लंबे हैं तो भाई लंबों के अंदर सभी खिलाड़ी आ रहे हैं, तो भाई बात क्या है ये सही है, अच्छा बात ये सही है। दूसरा देखें कि मनीष लंबा नहीं है, और भाई मनीष तो भाई लंबे के अंदर आ रहा है, और जब अंदर आ रहा है तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि मनीष सही है, यानी कि मनीष तो लंबा है, तो भाई इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखें कि लंबे लोग खिलाड़ी नहीं होते, कि भाई लंबे लोग खिलाड़ी नहीं होते, तो मेरे भाई लंबे लोग तो खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि लंबे लोगों के अंदर खिलाड़ी आ रहे हैं, अगर वो कहता कि बोले हाँ लंबे लोग खिलाड़ी हैं, तो भाई इस बात सही है कि लंबे लोग खिलाड़ी हैं, लेकिन उसने कहा कि लंबे लोग खिलाड़ी नहीं होते, भाई लंबे लोगों के अंदर तो खिलाड़ी आ रहे हैं, और जब आ रहे हैं तो इसका मतलब बात क्या है गलत है। अगला देखे ऑप्शन नंबर डी कि मनीष लंबा है, तो भाई मनीष क्या है लंबा है, भाई मनीष क्या है बिल्कुल सही बात है, मनीष क्या है लंबा है, तो भाई इसका मतलब ऑप्शन यानी कि निष्कर्ष जो है ए और वह कौन सा हुआ डी, दोनों ही क्या करते हैं इसका अनुसरण करते हैं, अर्थात दोनों ही ठीक है, ए व डी जो आपको आता है फर्स्ट व फोर्थ सही है, फर्स्ट व सेकंड सही है उस हिसाब से, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर तीन भी हो गया, अब क्वेश्चन नंबर चार की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर चार क्या कहेगा, देखिए इसमें तीन दिए हैं, उसने कथन जो दिए अब तक दो थे, अब तो क्या कितने हो गए तीन हो गए, अब तीसरे कथन पे देखें, उसने कहा कि सभी घोड़े गधे हैं, और भाई सभी घोड़े क्या हैं गधे हैं, तो सभी क्या हैं घोड़े, तो भाई घोड़े हैं मान लिया ये, अब घोड़े हैं और सभी घोड़े क्या हैं गधे, ये कौन हो गए गधे, क्योंकि भाई जिसे सभी को कहते हैं वो गधों के अंदर आएगा, यानी कि सभी घोड़े क्या हो गए गधे। अगला कहा कि कुछ घोड़े कुर्सी है, मतलब कुछ घोड़े कुर्सी है, तो भाई कुछ घोड़े अब कैसे भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे, तो बनाने के बाद में भाई कहीं ना कहीं ये जो है क्या कहा उसने कि कुछ घोड़े कुर्सी है, ये क्या हो गए कुर्सी, तो ये जो भाग हो गया ये क्या यानी कि कुछ घोड़े क्या हो गए कुर्सी हो गए। अगला कुछ कुर्सी दरवाजे हैं, कुछ कुर्सी दरवाजे हैं, अब भाई एक तो स्ट्रक्चर बन सकती है इस तरीके से बन सकती है ठीक, लेकिन क्या हमें जब इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं
तो भाई उसमें से एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब तक वो बिल्कुल ना कहे, कंफर्म ना कहे, तब तक क्या हम जितना बचा सकते हैं भाई उतना बचाकर उसे चले। तो यानी कि बचाकर चल सकते हैं, तो इस तीसरे का यानी कि जो तीसरा कथन दिया है उसे कहां रखूं कि कुछ कुर्सी दरवाजे हैं, तो मेरे भाई ध्यान बना लो कि कुछ कुर्सी क्या है, दरवाजे हैं। अब इसमें से निष्कर्ष देख लें, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ गधे कुर्सी हैं, पहला कह रहा है कि कुछ गधे कुर्सी हैं, तो भाई कुछ गधे, तो भाई सीधी सी बात एक बार बताओ, जब गधों के अंदर कौन है, यानी कि सभी घोड़े गधे हैं, और जब ये स्ट्रक्चर बनी कहीं से बनाओगे तो भाई कुछ गधे तो आएंगे ही आएंगे, और जब आएंगे तो भाई जब कुछ घोड़े कुर्सी हैं, अब तो इसका मतलब यानी कि कुछ गधे भी क्या होंगे, कुर्सी होंगे। और जब कुछ गधे, क्योंकि भाई ये वाला भाग तो किसका है, ये वाला भाग तो भाई गधों का है ना, ये वाला भाग किसका है, गधों का, और जब गधों का है तो ये भी क्या है भाई, कुछ कुर्सी है, तो कुछ गधे कुर्सी है, बात सही है। बी देखे, बी देखे कह रहा है कि कुछ दरवाजे गधे हैं, यानी कि कुछ दरवाजे गधे हैं, भाई ये बात हमें यहां से सही नहीं लग रही जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है, तो इसका मतलब अभी इसे हम छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, हमें गलत लग रहा है। अब मैंने बताया जहां थोड़ा सा भी डाउट हो वो गलत है। अगला देखे कि कुछ घोड़े दरवाजे हैं, यानी कि कुछ घोड़े दरवाजे हैं, भाई कहीं तक इनका संबंध बन रहा है, यानी कि अगर गधों का होता तो एक बार सोच भी लेते, लेकिन उसने तो क्या घोड़ों का है कि कुछ घोड़े दरवाजे हैं, भाई कहीं से कहीं तक कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, तो इसका मतलब क्या है, गलत है। अब उसने कहा कि कोई दरवाजा गधा नहीं है, यानी कि कोई भी दरवाजा क्या नहीं है, गधा नहीं है। अब इसने ऑप्शन नंबर बी में क्या कहा था कि कुछ दरवाजे गधे हैं, यानी कि कुछ दरवाजे गधे हैं, और इसने कहा कि कोई दरवाजा गधा नहीं है। जब भी कहीं ऑप्शन में एक बात तो कहे पॉजिटिव और एक कहे नेगेटिव, यानी एक बार वो सही कहे और एक बार क्या कहे मेरे भाई, गलत कहे, तो उनमें क्या, या तो फिर बी सही है या फिर कौन सा डी सही है, इन दोनों में से कोई सा तो इसका मतलब क्या है, सही है। तो इसका जो आंसर होगा कि ए तो भाई कंफर्म है हमें, या तो फिर बी और या क्या कौन सा डी, इन दोनों में से कोई सा एक होगा। तो भाई ए तो सही है, बी या डी, तो भाई ये क्वेश्चन हो गए। देखिए बाकी क्वेश्चन इसके में, यानी कि कल लंबी क्लास बनाऊंगा, अगर आप लोग बिल्कुल सहयोग करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और लाइक करेंगे भाई, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं बात करता हूं, देखिए रीजनिंग में जितना पार्ट है, देखिए हिंदी और रीजनिंग की क्लास आपको एक दिन मिला करेगी, और मैथ्स के साथ में, देखिए आप हिस्ट्री की जो हिस्ट्री त्रिभुवन कसाना सर पढ़ा रहे हैं, और कुछ लोग पूछ रहे थे, कुछ कमेंट बॉक्स में मैंने पढ़ा भी था कि बोले सर कहां से हैं, तो देखिए जो केसीजी से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बता दूं कि त्रिभुवन सर आपके जो केसीजी की ब्रांच है हसनपुर, वहां वो पढ़ाते हैं, ठीक। अभी उन्होंने वहां पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या आपकी कहीं ना कहीं संस्था से जुड़े हुए ही अध्यापक हैं। तो मेरे भाई अब इसके बाद यानी हिस्ट्री की क्लास वो निरंतर दे रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो अपना समय निकालकर यहां तक आते हैं। लेकिन अब इसमें से हिस्ट्री क्लास आपको मिल रही है और रीजनिंग मैंने आपको एक क्लास आपके सामने रखी है, आप लोग कितना पसंद करते हैं वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। देखिए मैथ्स में हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा था, टाइम एंड वर्क की भी क्लास मैं बिल्कुल कंटिन्यू, यानी कि कल आपको क्लास मिलेगी, कल आपको एक हिंदी की क्लास भी मिलेगी, और यानी कि रीजनिंग की क्लास, देखिए एक दिन में मैं दो से तीन क्लास ही दे पाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। हो सकता है कि हाँ अगर तो ज्यादा, क्योंकि भाई बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि पूरा दिन लग जाता है तीन ही वीडियो को अपलोड करने में, बनाने में, काटने में, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, आप लोग हमसे जुड़ें, जुड़ने के बाद आपको जो भी कुछ ना कुछ आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत आप लोगों के काम अवश्य आ रही होगी, ठीक है। तो भाई मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत, नेक्स्ट क्लास में।